तो दोस्तों आज के दिन यानी कि 15 दिसंबर के दिन फ्री फायर गेम में आ गया है न्यू इवेंट। न्यू इवेंट का नाम क्या है? विंटरलैंड फ्रॉस्ट फायर। तो इस वाले न्यू इवेंट विंटरलैंड फ्रॉस्ट फायर से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले रिवॉर्ड देख लीजिए। तो यहाँ पर वैसे तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें जो सबसे मेन रिवॉर्ड है वो है एजेंट होप पैट। ठीक ना, इसको आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं एजेंट होप पैट को। बस इसको थोड़ा सा इवेंट को कंप्लीट करना होगा। जल्दी से मैं बता देता हूँ इवेंट को आपको किस तरह कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो इवेंट ओपन करके इसका जो मेन बीच में दिख रहा है इंटर, इंटर कर लेना है। तो इंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर लेफ्ट डाउन कॉर्नर में लिखा हुआ आ रहा है डेली टास्क। डेली टास्क को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अंदर में जाकर के टास्क आ जाता है। इस सब टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपको टोकन मिलेगा। तो यहाँ मैंने सारे टास्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर सारा टोकन को क्लेम कर लेता हूँ। आप लोग भी अपना टास्क को कंप्लीट करके सारा टोकन को क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको 16 सोलो टोकन मिल गया, और इस सोलो टोकन से क्या करना है, हम लोग स्पिन कर सकते हैं। स्पिन करने के बाद देखिए यहाँ पर स्पिन का ऑप्शन आ रहा है, एक स्पिन, पांच स्पिन। तो मैं यहाँ पर पांच स्पिन करता हूँ। पांच स्पिन करने के बाद हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं, एक पैट का स्किन मिल गया। पैट तो नहीं मिला, पैट का स्किन मिल गया आप देख सकते हैं। इसी तरह स्पिन करने के बाद हमको पैट भी मिल जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पिन करने के बाद एजेंट होप पैट भी मिल गया और इसका स्किन भी मिल गया। आप लोग भी इस तरह इवेंट कंप्लीट करके स्पिन की जगह तो आप लोग को भी पैट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एजेंट होप पैट की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आखिर एजेंट होप पैट क्या क्या कर सकता है, और एजेंट होप पैट की यूजेस को भी मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एजेंट होप पैट का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस फ्री में मिलने वाले एजेंट होप पैट को लेकर के गेम के अंदर जाते हैं और इसकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं और इस फ्री के एजेंट होप पैट की कुछ एडवांटेज को भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू इवेंट से मिलने वाले, एकदम बिल्कुल फ्री में मिलने वाले एजेंट होप पैट को लेकर के गेम के अंदर आ गया हूं। तो एजेंट होप पैट की एबिलिटी क्या है? तो एजेंट होप पैट क्या देता है, आपको 50 ईपी देता है। जैसे यहां पर देखिए जोन श्रिंक होना स्टार्ट होगा, वही से आपको 50 ईपी देगा। देखिए मेरे पास ईपी नहीं है, आपको पता है लॉन वुल्फ में ईपी नहीं रहता है। यहां देखिए मेरे पास 50 ईपी आ गया। तो कैसे आया? ये एजेंट होप पैट के कारण आया। ठीक ना, तो एजेंट होप पैट की एबिलिटी किस तरह वर्क करता है? जैसे जोन श्रिंक होगा वही से आपको 50 ईपी मिल जाएगा। जितना बार जोन श्रिंक होगा उतना बार आपको 50 ईपी मिलते रहे। तो यहां पर मैं आपको स्लो मोशन में फिर से दिखा देता हूं। ऊपर देखिए जोन श्रिंक होने का टाइमर चल रहा है। ठीक ना, जैसे ये टाइमर जीरो होता है इसका मतलब जोन श्रिंक होना चालू हो जाएगा। ठीक ना, वैसे ही हमको ये जो मेरा पैट है एजेंट होप पैट है वो हमको 50 ईपी देगा। देख लीजिए जैसे जीरो हुआ वैसे देखिए हमको 50 ईपी मिल गया। ठीक, यहां आप देख सकते हैं 50 ईपी मिल गया। ठीक ना, बैठे बैठे 50 ईपी मिल गया। तो ये वाला पैट जो एजेंट होप पैट है जो कि हम लोग को बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, वो क्या करेगा, जब भी जोन श्रिंक होगा वो आपको 50 ईपी देगा। इसके अंदर जो है ना, मतलब ये न्यू पैट जो है, न्यू एजेंट होप पैट है, इसके अंदर एक ही एबिलिटी है कि जब भी जोन श्रिंक होगा तब आपको 50 ईपी देगा, चाहे वो लॉन वुल्फ का हो, चाहे वो सीएस रैंक गेम का हो, चाहे वो बीआर रैंक गेम में हो। ठीक ना, जब भी जोन श्रिंक हो तब आपको 50 ईपी देगा ये न्यू एजेंट होप पैट। तो यहां पर मैंने न्यू इवेंट से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले एजेंट होप की छोटी सी एबिलिटी को बता दिया। एजेंट होप पैट की एबिलिटी ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजेंट होप पैट यूज करने से आप लोगों को क्या क्या एडवांटेज होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो उन प्लेयर को हो जाएगा जो कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि जस्टिन बीबर की डिफेंसिव एबिलिटी तभी वर्क करता है जब आपके पास ईपी हो। ठीक ना, तो सीएस रैंक गेम जब आप खेलते हैं तो बहुत बार आपके पास कॉइन नहीं रहता है, आप ईपी नहीं खरीद पाते, लेकिन अगर आप एजेंट होप पैट कीजिए मतलब यूज कीजिएगा तो आपको हर बार 50 ईपी मिलेगा, क्योंकि शुरू में जो है ना 10-20 सेकंड के बाद जोन श्रिंक होना चालू होता है पहला जोन, तो वहां पर आपको ईपी मिल जाएगा। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं हमको 50 ईपी मिल गया, फाइट जैसे शुरू हुआ वैसे 50 ईपी मिल गया क्योंकि फर्स्ट जोन श्रिंक होना चालू हो गया। इसके साथ ही यहां पर जस्टिन बीबर कैरेक्टर की एबिलिटी एक्टिव हो गया। ठीक ना, इनिमी मारेगा तो हमको कम डैमेज पड़ेगा, मतलब डैमेज ईपी पे भी चले जाएगा। ठीक ना, ईपी रहना जरूरी रहता है जस्टिन बीबर के साथ, तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि सबसे पहला एडवांटेज तो उन प्लेयर को हो सकता है एजेंट होप पैट यूज करने के बाद जो कि जस्टिन बीबर यूज करते हैं। और दूसरा जो मेन एडवांटेज होने वाला है वो होने वाला है ओरियन कैरेक्टर यूजर के साथ। ठीक ना, ओरियन कैरेक्टर जो भी बंदा यूज करता है उसके साथ तो एजेंट होप पैट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। किस तरह, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए लॉन वुल्फ का एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो मैं सीएस गेम में जाकर आपको दिखाता हूं। यहां पर लॉन वुल्फ का एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए मैं जैसे इनिमी को मारता हूं, ठीक ना, मतलब मिगवेल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, 200 ईपी तो मिलता है, लेकिन यहां पर मैं ओरियन का यूज नहीं कर पा रहा हूं। ठीक ना, थोड़ा देर में एजेंट होप पैट देखिए फिर से हमको 50 ईपी देता है, अब जाके मैं ओरियन का यूज कर पा रहा हूं। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मिगवेल यूज कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट बार जब आप इनिमी को मारते हैं थोड़ा डैमेज पड़ जाता है, जिसके कारण आप जो है ना मतलब ओरियन का यूज नहीं कर पाते हैं। अगर आप ओरियन कैरेक्टर के साथ एजेंट होप पैट भी यूज कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत डैमेज भी
करनी पड़ेगा तो एजेंट होपेट पहले से आपको 50 EP दे देगा या फिर बाद में 50 EP दे देगा, तो ओरियन कैरेक्टर का आप यूज कर पाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ओरियन के साथ एजेंट होपेट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ये जो एजेंट होपेट है इसके बारे में मैंने आपको सारा चीज बता दिया। सबसे पहले तो बताया कि न्यू इवेंट से आपको किस तरह से एजेंट होपेट बिल्कुल फ्री में लेना है। उसके बाद मैंने एजेंट होपेट की एबिलिटी गेम के अंदर जाकर के टेस्ट करके आपको दिखा दिया। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि एजेंट होपेट यूज करने से आपको क्या क्या एडवांटेज होने वाला है, क्या क्या फायदा होने वाला है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।